अपनी बेटा को पधारे हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई आज जो कुछ कहना था हमारे माननीय राज्यपाल जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमें बिहार का गौरव बढ़ाना है और बिहार में हमें जो जातिवाद भाषावाद इन सभी चीज़ों को तोड़ करके देश को आगे बढ़ाना है। और सचमुच में आज की जो भगवान परशुराम की जयंती है हमें उन सब चीज़ों को तोड़ते हुए हम समाज में जो आतंकवाद है, मैंने चाचा भतीजा और भाई की बात भाषण में कहा था, क्योंकि वो राजनीति का भाषण वहाँ नहीं करना था महामहिम के सामने, वो राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज हमें उस प्रकार के भाईवाद भतीजावाद जो चाचा भतीजा है उन चाचा भतीजा के खिलाफ, उस आतंक के खिलाफ, उस हिंसा के खिलाफ जो बिहार में हिंसा फैला रहा है, जो आतंक को फैलाए हुए हैं, उसके खिलाफ हमें परशुराम बनने की आवश्यकता है। मैं युवा शक्ति से आह्वान करूंगा कि जिस प्रकार से 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हमने बिहार को बचाने का काम किया, बिहार में तांडव नृत्य को रोकने का काम किया और लोकतांत्रिक लड़ाई को हमने लोकतंत्र में बदलने का काम किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो उस समय काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हो रहा था उसको लोकतांत्रिक परंपरा में ढालने का काम छात्र युवा शक्ति ने किया। आज आवश्यकता है कि फिर से छात्र युवा शक्ति इस बिहार के अंदर जो आज जंगल राज के गोद में बैठ करके और बिहार को जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे पलटन कुमार जी को एक बार बिहार के युवा और जनता पलटनिया देने का काम फिर से करें। सर, जामा मस्जिद के साथ समाज को बदलने के लिए एक नया ही नारा दिया गया, कल जुमा के बाद एक जामा मस्जिद से कुछ एक अलग ही नारा दिया गया जो समाजवाद जी, कल पटना अतीक अहमद शहीद है और उसके जिंदाबाद के नारे लगे थे, क्या कुछ करना चाहेंगे? मुझे दुख होता है इस बात का, जहाँ भी इस प्रकार के नारे लग रहे हैं वो निश्चित रूप में ऐसे लोग अपराधियों को पनाह देने के लिए। और आज हमारे बहुत सारे राजनेता बिहार में भी, जब बिहार का मुख्यमंत्री इस बात को कहता हो, उनके पार्टी के लोग ऐसे कहते हो, और यहां तक कि भाजपा के नेताओं का नाम लेके कहता हो, अगर राम का कोई काम कर रहा है उसकी तुलना उस प्रशासन की दौरा दौरा कर पिटाई की गई है बालू माफिया के द्वारा, मैं वही कह रहा हूं किस प्रकार से उस महिला को बुरी तरह से पीटा गया, नंगा करके भागती रही महिला, ये कैसा राज है? कहते हैं शांति व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे हो? अरे उत्तर प्रदेश गगन का आकार गगन के जैसा होता है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश है, सर्वोत्तम प्रदेश है। क्या मजाल है कि कोई आतंकवादी कोई आतताई वहां से भाग निकले, अगर भाग निकलेगा तो बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेगा, वो बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश का भागा हुआ वो बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा, यह है उत्तम प्रदेश। लेकिन बिहार का शासन ये दुशासन, बिहार में सुशासन नाम का चीज ही नहीं रह गया, सुशासन बाबू आज दुशासन के गोद में बैठ करके अब बड़ा मीठा आवाज से मुंगेरी लाल का हसीन सपना, हम तो कहते हैं बार बार सोलो श्रृंगार करके ये चले जाएंगे, अब इनका दांत झड़ा हुआ है कोई इनके पास नहीं आने वाला है, और ये बटोर बटोर करके हाँ विपक्ष को एक कर रहे हैं। अरे विपक्ष को नहीं, भ्रष्टाचारियों को वंशवादियों को उनको एक कर रहे हो, नरेंद्र मोदी के सामने कहाँ टिकने वाले हो? नरेंद्र मोदी वो आग है जिसमें ये तमाम भ्रष्टाचारी और तमाम अपराधी ये जल के भस्म हो जाएंगे। पुलिस जिसे को बदलने के लिए एक नया ही नारा दिया गया, कल जुमा के बाद एक जामा मस्जिद से कुछ एक अलग ही नारा दिया गया जो समाजवाद जी, कल पटना अतीक अहमद शहीद है और उसके जिंदाबाद के नारे लगे थे, क्या कुछ करना चाहेंगे? मुझे दुख होता है इस बात का, जहां भी इस प्रकार के नारे लग रहे हैं वो निश्चित रूप में ऐसे लोग अपराधियों को पनाह देने के लिए। और आज हमारे बहुत सारे राजनेता बिहार में भी, जब बिहार का मुख्यमंत्री इस बात को कहता हो, उनके पार्टी के लोग ऐसे कहते हो,
और यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं का नाम लेके कहता हो, अगर राम का कोई काम कर रहा है उसकी तुलना उस आतताई से करता हो, उस आतंकवादी से करता हो, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी चुनौती है। और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी सुटेड साइड कर देना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। वो चुनौती देते हैं, वो धमकी दे रहे हैं, खबरदार। ये बिहार सदियों से हम लड़ाई लड़ते रहे और बिहार को हमने एक पहले भी जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय भी जेपी के कालखंड में ये संकल्प लेने वाले आज जातियों के घिरंदे में फंस करके और वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और ऐसे चाचा और भतीजा और भाई गले लग रहे हैं और जंगल राज में बिहार को। और वो लोग, अरे हमें उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ का मॉडल चाहिए, जिस योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को मिनट ना लगते हुए अपराधियों को गिरफ्तार भी किया और चूं तक नहीं बोला वहाँ। वहाँ वो राम राज्य लोकतंत्र की बात ये दुहाई देते हैं कि वो संवैधानिक हुआ, किस प्रकार से जामा मस्जिद के में नारे लगाने वाले, और ये राजनेता, इस राजनेता, इन राजनेताओं के कारण ही इस प्रकार का वो हिम्मत करता है। ऐसे लोगों को बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जब चलेगा तो भाग खड़े होंगे और बिहार में भी बुलडोजर बाबा के जैसा ही शासन यहाँ भी होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। 2025 में हमारा बुलडोजर बाबा के जैसा उत्तर प्रदेश भारत का एक रोल मॉडल के रूप में उभर। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now